अक्सर आपने चंदन का इस्तेमाल अपने ब्यूटी के प्रोडक्ट के रूप में या फिर घरों में पूजा में किया होगा, लेकिन अक्सर घरों में यूज करने वाला चंदन पीले रंग का होता है और आज हम बात करने वाले हैं लाल चंदन की। पुष्पा मूवी में आपने लाल चंदन के बारे में तो काफी सुना ही होगा और देखा भी होगा कि किस तरीके से लाल चंदन की तस्करी की जाती है। आखिर क्या वजह है कि लोग लाल चंदन की तस्करी करते हैं और यहाँ तक कि चीन में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। आखिर क्यों चीन को लाल चंदन चाहिए और वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है इस लाल चंदन के लिए। बहुत समय से जापान लाल चंदन खरीदता आया है। पुराने समय में जापान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब चीन में भी लाल चंदन की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग लाल चंदन की तस्करी करके डायरेक्ट चीन जैसे देशों को लाल चंदन बेच देते हैं, जिससे लोगों को डायरेक्ट करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों लाल चंदन की इतनी डिमांड चीन में है और क्यों लोग करोड़ों रुपए देकर लाल चंदन को खरीदना चाहते हैं। आपको ये जानकर तो हैरानी होगी कि भारत में लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की भी तैनाती की गई है। आखिर क्या वजह है सिर्फ पेड़ों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती करने की? लाल चंदन की लकड़ी के महंगा होने के पीछे इसके गुण हैं, क्योंकि इससे फर्नीचर से लेकर दवाइयाँ, शराब से लेकर इत्र और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक की आइटम भी बनाई जाती है और ये सारी चीजें काफी कीमत पर मिलती हैं। और यहाँ तक कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर चंदन के पेड़ होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना दुर्लभ पेड़ और इतने ज्यादा फायदे होने की वजह से ही इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा ही होगी। इस लाल चंदन की लकड़ी का वैज्ञानिक नाम सेंट्रालिनस है। इन पेड़ों की खासियत ये है कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के चार जिलों में शेषाचलम की पहाड़ियों में उगते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक होती है और इन्हें बड़ा होने में लगभग एक दशक का समय लगता है और इस पेड़ की लंबाई भी काफी धीरे धीरे बढ़ती है। इस पेड़ को साल 1994 के बाद दुर्लभ प्रजाति का पेड़ मानकर उसकी कटाई पर रोक लगा दी गई थी। लाल चंदन की लकड़ी की खासियत इतनी ज्यादा है कि चीन एक टन लकड़ी की करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार साल 1914 में जब चंदन की लकड़ी की बोली लगी तो चार विभिन्न देशों के 400 व्यापारियों में से 150 तो सिर्फ चीन के ही थे। लाल चंदन की लकड़ी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक इस साल चंदन को राज्य से बाहर ले जाना भी कानूनी अपराध है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।